हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस आर्ट एंड डिज़ाइन। इस चैनल में आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ये की होल्डर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। की होल्डर बनाने के लिए मैंने ये एक बना के लिया है कारपेंटर के पास से। जस्ट आपको एक कटिंग चाहिए, पीछे में एक हुक चाहिए और कुछ हुक्स चाहिए जहाँ पर हम लोग हमारे कीज हैंग कर सकते हैं। यस, उसके ऊपर मैंने लगाया है जेसो। जेसो सूख जाने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है मेरी बेटी का ये एक टॉय साइकिल और उसको हम लोग करेंगे पेंट। पेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर एक बार इसको लगाने के बाद इसको 2 या 3 कोट देने पड़ते हैं, तभी जाके ये एक्रेलिक कलर इसके ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद हम लोग ये बेस को कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने कुछ शेड्स यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं और यहाँ पे मैं कुछ कोट लिखूँगी। कोट लिखने के लिए मैंने स्मॉल साइज़ का ब्रश यूज़ किया है और वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ किए हैं। कोट अच्छी तरह से हम लोगों का पूरा हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टिक कर देंगे ये साइकिल। और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ डिज़ाइंस एनहांस करने के लिए। आप चाहे तो डिकपाज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ पेंटिंग करना था तो मैंने कर दिया। उसके बाद वी विल अप्लाई वॉर्निश टू दिस आर्ट वर्क और उसके बाद हम लोग स्टिक कर देंगे ये साइकिल। अब ये साइकिल को हैंडल थे तो इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा करके रख दिया है। दैट्स इट, आवर आर्ट वर्क इज़ रेडी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं ये DIY ट्री। उसके लिए मैंने लिया है एक पुराना सा ट्री और उसको हम लोग करेंगे बोहो स्टाइल से पेंटिंग। उसके लिए मैंने बेस में लगाया है जेसो। जेसो के लिए मैंने वाइट कलर चूज़ किया है और जेसो जैसे ही सूख जाएगा उसके ऊपर हम लोग करेंगे कलरिंग। कलरिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्किन कलर का एक्रेलिक कलर। कलर करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है डैबर। डैबर से कलर बहुत अच्छी तरह स्प्रेड हो जाते हैं और इक्वली मेंटेन भी दिखते हैं। उसके बाद ट्रे कलर होने के बाद बैक साइड पे ट्रे के पीछे के साइड पे हम लोग देंगे येलो कलर। आप चाहिए तो आपके मनपसंद का कोई भी ये सूटेबल कलर दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये कुछ एक्रेलिक कलर्स। बोहो पेंटिंग के लिए बेसिक कलर्स यूज़ करते हैं, थोड़ा कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर ब्लैक मार्कर से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन ले रही हूँ येल्लो, वाइट, ब्लू एंड ग्रीन। आप चाहे तो आपका मनपसंद का कंपोजिशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेस में मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ, प्लेन सर्कल में यहाँ पे बना रही हूँ प्लेन कलर्स की। बस आपको कुछ सर्कल हाफ बनाने हैं, कुछ सर्कल फुल बनाने हैं और इसके बाद ये सब सूख जाने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वॉर्निश। यहाँ पे मैं वॉर्निश सूख जाने के बाद वी विल टेक परमानेंट मार्कर और विद द हेल्प ऑफ दिस परमानेंट मार्कर आई विल मेक सम आर्ट। आप आपके चॉइस का कोई भी आर्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ थोड़े से लीफ और उसके अंदर कुछ डिज़ाइंस। आप यहाँ पे फ्लावर के भी डिज़ाइन बना सकते हो या फिर डॉट के भी बना सकते हो या मंडल आर्ट कर सकते हो, जो चाहे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लीव्स के ही थीम का आर्ट बनाने के लिए सोचा था तो वही मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग लगाएंगे 1 मोर कोट ऑफ वार्निश।
यस, और ये आर्ट हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। साइड में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा सिंपल चाहिए था ये आर्ट। इसके लिए मैं स्पेस छोड़ रही हूँ और हैंडल के ऊपर मैं बस एक लीफ ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इसको डेकोरेट नहीं करूँगी, मुझे इसको सिंपल ही रखना था। बीच में मैं ओपन जगह थी तो उसके लिए कुछ डॉट्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और साइड में आपको जो भी चाहिए वो डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन लीफ की पैटर्न का था तो मैंने एक लीफ ही ड्रॉ कर दिया है साइड में। एंड यस, दैट्स इट, यार्ड रेडी है। इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।